नमस्कार, मैं अनीता सिंह स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे काल सर्प योग की। माना जाता है कि ये एक ऐसा योग है जो जातक के पूर्व जन्म के किसी अपराध के दंड या श्राप के फलस्वरूप उसकी जन्म कुंडली में होता है। लोगों के मन में काल सर्प दोष को लेकर काफी भय और आशंकाएं कुशंकाएं रहती हैं, और इन्हीं शंकाओं से मुक्ति के लिए आज लेकर आए हम आपके लिए ये खास कार्यक्रम गुड लक टिप्स। दोस्तों, काल सर्प योग एक भयानक पीड़ादायक योग माना गया है। ये योग जिसकी कुंडली में होता है उसे काफी दुख और तकलीफें सहनी पड़ती हैं। तो आज हम लाए हैं आपके लिए कुछ आसान और अचूक उपाय जिसके असर से इसे कम किया जा सकता है। आज के इस स्पेशल एपिसोड में बहुत कुछ संजो के लाए हैं, कुछ ऐसे आसान उपाय, साथ ही पंडित जी के साथ टिप्स भी, जिससे आप बच सकते हैं काल सर्प योग से। इन सभी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। जय अम्बे जी। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में और बात करेंगे कि क्या कुछ है इस काल सर्प योग के बारे में, कितने तरह के ये होते हैं और क्या कुछ उपाय हम ला सकते हैं, अमल कर सकते हैं इससे बचने के लिए। गुड़लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। मित्रों, आज का हमारा जो एपिसोड है उन लोगों के लिए है जो कि काल सर्प योग से पीड़ित हैं। दोस्तों, ज्योतिष के आधार पर काल सर्प दो शब्दों से मिलकर बना है, काल और सर्प। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि काल का अर्थ होता है समय और सर्प का अर्थ होता है सांप। यदि इसे एक करके एक साथ देखें, जोड़ें, तो जो अर्थ निकल कर सामने आता है वह समय रूपी सांप। काल सर्प का सामान्य अर्थ यह है कि जब भी ऐसी ग्रह स्थिति आएगी तब मनुष्य को, जातक को सर्प दंश के समान कष्ट का अनुभव होता है। तो आपने जाना कि काल सर्प का क्या मतलब है, और हम पंडित जी से आगे जानेंगे काल सर्प दोष क्या है और ऐसा क्या है उसमें कि हर कोई इससे घबराता है, इस दोष से मुक्ति पाना चाहता है। जी मित्रों, काल सर्प योग का नाम सुनते ही जो लोग हैं वो घबरा जाते हैं। काल सर्प को दोष नहीं बल्कि एक योग कहना चाहिए। वर्तमान समय में काल सर्प योग की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार जातक की जन्म कुंडली में जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं, या केतु और राहु के बीच में अगर सारे ग्रह आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में काल सर्प योग बनता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह योग जिस व्यक्ति के कुंडली में होता है उसका पतन होता है। यह इस योग का एक पक्ष है, जबकि दूसरा पक्ष यह भी है कि यह योग व्यक्ति को अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाता है। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि राहु और केतु छाया ग्रह हैं जो सदैव एक दूसरे से सातवें भाव में रहते हैं। राहु केतु शनि के समान क्रूर ग्रह माने जाते हैं और शनि के समान विचार रखने वाले होते हैं। राहु जिनकी जन्म कुंडली में अनुकूल फल देने वाला होता है उन्हें कालसर्प योग महान उपलब्धि हासिल करवाता है। जैसे शनि की साढ़े साथी व्यक्ति से परिश्रम करवाती है और उसके अंदर की कमियों को दूर करने की प्रेरणा देती है, ठीक उसी प्रकार कालसर्प योग व्यक्ति को जुझारू बनाता है, संघर्षशील बनाता है और साथ साथ में साहसी भी बनाता है। इस योग से प्रभावित व्यक्ति अपनी पूरी क्षमताओं का यदि पूरा इस्तेमाल करते हैं और निरंतर आगे बढ़ते हैं तो उनके जीवन के हर क्षेत्र में उनको सफलता प्राप्त होती है। अगर आपकी कुंडली में भी काल सर्प योग बना हुआ है और इसके कारण यदि आप भयभीत हैं तो इस भय को मन से निकाल दीजिए। काल सर्प योग से भयभीत होने की कोई भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि इस योग ने व्यक्तियों को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुँचाया है। काल सर्प योग से ग्रसित होने के बावजूद बुलंदियों पर पहुंचने वाले कई जाने माने नाम हैं, जैसे धीरूभाई अंबानी हुए, सचिन तेंदुलकर हुआ, ऋषिकेश मुखर्जी हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, लता मंगेशकर इत्यादि। ये ऐसे नाम हैं जिनकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग बना है, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी में सफलताओं के शिखर को छुआ क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करी और ज्योतिष में लिखे हुए काल सर्प योग के भी इन्होंने अशुभ होने के बावजूद शुभ फल प्राप्त किए।
दोस्तों आपने जाना कि किस तरीके से काल सर्प योग जो है वो सिर्फ हम उसे दोष ना कहें, वो एक योग है और इसके शुभ फल भी प्राप्त हो सकते हैं। तो पंडित जी, ये तो आपने बताया कि क्या कुछ है काल सर्प योग, और क्या जैसे शनि की साढ़े साती सभी व्यक्ति को एक समान पीड़ा नहीं देती, क्या उसी प्रकार भी काल सर्प योग भी सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसी नहीं होती है? जी बिल्कुल, काल सर्प योग सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता है, ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग अलग योग बनता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार के कालसर्प योग होते हैं, और साथ ही साथ आज मैं आपको बताऊंगा कालसर्प योग के दुष्प्रभावों से बचने के कुछ सरल उपाय। तो सबसे पहला जो कालसर्प योग बता रहा हूं वो है, उसका नाम है अनंत कालसर्प योग। तो अनंत कालसर्प योग कब बनता है? जब प्रथम भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु होता है, तब यह अनंत कालसर्प योग बनता है। इस योग से प्रभावित होने पर व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक परेशानी उठानी पड़ती, साथ ही साथ सरकारी व अदालती मामलों में उलझना पड़ता है। दाम्पत्य जीवन में भी यह योग बाधक बनता है। व्यक्ति अगर सूझबूझ एवं शांति से काम नहीं ले तो उसकी गृहस्थी में जीवन साथी से हमेशा अनबन बनी रहती। इस योग में अच्छी बात यह है कि इससे प्रभावित व्यक्ति साहसी होता है, नीडर होता है, स्वतंत्र विचारों वाला होता है और साथ साथ में स्वाभिमानी होता है। अगला जो कालसर्प योग है वो है कुलिक कालसर्प योग। कुलिक कालसर्प योग कैसे बनता है ये वो भी जान लेते हैं। यदि जातक की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में जब राहु हो और अष्टम भाव में यानी आठवें घर में केतु हो, तब कुलिक नामक कालसर्प योग बनता है। इस कालसर्प योग से पीड़ित जातक को आर्थिक कष्ट भोगना पड़ता है। इनकी जो पारिवारिक स्थिति होती है वो थोड़ी संघर्ष में रहती है और कलहपूर्ण होती है। सामाजिक तौर पर भी ऐसे लोगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। तीसरा जो कालसर्प योग है वो है वासुकी कालसर्प योग। तो वासुकी कालसर्प योग कब बनता है? जब जन्म कुंडली में तृतीय भाव में राहु हो और नवम भाव में केतु हो, तो वासुकी नामक कालसर्प योग बनता है। इस कालसर्प योग से पीड़ित होने पर जातक को व्यक्ति को जीवन में हमेशा संघर्ष का सामना करना पड़ता है। नौकरी व्यवसाय में परेशानी बनी रहती है। इन्हें भाग्य का साथ नहीं मिलता, वह परिजनों और मित्रों से हमेशा धोखा मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि केतु जब भाग्य स्थान में बैठ जाता है तो सिंपल सा जो अर्थ है, साधारण अर्थ, सांप का जो मुंह होता है उससे तो कहा गया है राहु, और सांप की जो पूंछ है उससे कहा गया है केतु। तो दशकों कभी भी सांप सीधा नहीं चलता, टेढ़ा चलता है। तो राहु की महादशा, राहु का काल या कालसर्प योग जिनकी जन्म कुंडली में होता है, तो उनको जिंदगी के अंदर संघर्ष करना पड़ता है। अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो 200% जब आप मेहनत करेंगे तो आपको 100% मिलेगा। अगला जो कालसर्प योग जो है उसे हम जानते हैं शंखपाल कालसर्प योग के नाम से। तो शंखपाल कालसर्प योग कब बनता है? जब राहु जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान पर हो और केतु दशम भाव के अंदर हो, तब यह शंखपाल नामक कालसर्प योग बनता है। इस कालसर्प योग से पीड़ित होने पर जातक को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इन्हें मानसिक तनाव का भी साथ साथ में सामना करना होता है। इन्हें अपनी माँ, जमीन और परिजनों के मामले में अक्सर कष्ट भोगना पड़ता है। अगला जो कालसर्प योग है वो है पद्म कालसर्प योग। तो पद्म कालसर्प योग कब बनता है? जब राहु पंचम भाव में हो और केतु एकादश भाव में हो, तो यह पद्म नामक कालसर्प योग बनता है। इस योग में व्यक्ति को अपयश मिलने की संभावना रहती है। व्यक्ति को यौन रोग के भी दुख प्राप्त होते हैं, साथ साथ में संतान सुख जो है उसके अंदर कमी होती है। उच्च शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है, धन लाभ में रुकावट होती है, वृद्धावस्था में भी संन्यास की प्रवृत्ति होने से इस योग का प्रभाव होता है। अगला जो कालसर्प योग है वो महापद्म कालसर्प योग। तो जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में छठे भाव में राहु और बारहवें भाव में केतु हो, वहां महापद्म कालसर्प योग बनता है। इस योग से प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं उनको मामा के यानी ननिहाल की पक्ष से हमेशा कष्ट की प्राप्ति होती एवं निराशा के कारण वो गलत संगत के अंदर भी जा सकते हैं। इन्हें काफी समय तक शारीरिक कष्ट भोगना पड़ता है।
प्रेम के मामलों में भी ये दुर्भाग्यशाली होते हैं, चूंकि केतु 12वें स्थान में होता है, अचानक उनको जिंदगी में अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं जो राहु छठे भाव के अंदर होता है तो वो गुप्त शत्रुओं को भी पैदा करवाता है। तो दोस्तों, ये तो हमने जाना कि किस तरीके से ये 6 प्रकार के काल सर्प योग हैं और क्या क्या इनका प्रभाव किसी इंसान की कुंडली पे पड़ता है और उसके जीवन पे पड़ता है। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि जो बाकी बचे काल सर्प योग हैं, क्या उनका जो इफेक्ट हो सकता है आपकी कुंडली पर या जातक पर, और साथ ही उसके बाद जानेंगे कि क्या कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं इस काल सर्प योग से मुक्ति पाने के लिए या इसे सुधारने के लिए। आगे जो हम बात कर रहे हैं वो है तक्षक काल सर्प योग। तक्षक काल सर्प योग कैसे बनता है? जिसकी स्थिति जो होती है वो अनंत काल सर्प योग के ठीक विपरीत होती है। इस योग में केतु तो लग्न में होता है, राहु सप्तम भाव में। इस योग में जो वैवाहिक जीवन होता है उसमें हमेशा अशांति बनी रहती है, मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट हमेशा बना रहता है। कारोबार में जो पार्टनरशिप का जो बिजनेस होता है, साझेदारी जो होती है, वो कभी भी लाभप्रद नहीं होती। मानसिक परेशानियों के कारण डिप्रेशन के पेशेंट ऐसे अक्सर देखे गए हैं। अगला जो काल सर्प योग है वो है कर्कोटक काल सर्प योग। कर्कोटक काल सर्प योग कैसे होता है कि जब किसी जातक की जन्म कुंडली में अष्टम भाव, जिसे मृत्यु के नाम से जानते हैं, अपयश के नाम से जानते हैं, दुर्घटना के नाम से जानते हैं, साजिश का घर जिसे कहा जाता है, यदि उसमें राहु बैठा हो, और द्वितीय भाव जिसे हम धन एवं कुटुंब स्थान के रूप में जानते हैं, उसमें केतु विराजमान हो, तब जन्म कुंडली में कर्कोटक नामक काल सर्प योग बनता है। तो 8वें घर में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं देता है, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। अगर व्यक्ति सजग एवं सावधान नहीं रहे तो अपने आसपास में हो रहे साजिशों के कारण उसे कठिन हालातों से भी गुजरना पड़ता है। खर्चे के रास्ते अचानक ही बनते रहेंगे, जिससे बचत में कमी आती है। पैतृक संपत्ति के सुख में भी ऐसे जो व्यक्ति हैं वो वंचित रहते हैं, अथवा पैतृक संपत्ति मिलने पर भी उसे सुख की अनुभूति नहीं होती। ऐसे जातकों को आजीविका में समय समय पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिनके कारण उनको अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। अपने कुटुंबों एवं अपने सगे संबंधियों से उनका मतभेद बना रहता है। अगला जो कालसर्प दोष है या योग है वो है शंखचूड़ कालसर्प योग। तो शंखचूड़ कालसर्प योग कब बनता है? जब तृतीय भाव में केतु और नवम भाव में राहु, तो यह योग बनता है। इस योग से प्रभावित व्यक्ति जीवन में सुखों को भोग नहीं पाता है, इन्हें पिता का सुख नहीं मिलता, इन्हें अपने कारोबार में अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। अगला जो कालसर्प योग है, घातक कालसर्प योग। नाम से ही आप समझ सकते हैं घातक कालसर्प योग। ये योग कैसे बनता है आइए वो भी जान लेते हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव में केतु और दसम भाव में राहु के होने से घातक नामक कालसर्प योग बनता है। इस योग से गृहस्थी में हमेशा कलह, कलेश और अशांति बनी रहती है। नौकरी एवं रोजगार के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो राहु है वो दसम भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में उतार चढ़ाव ले आता है। कहा जाता है कि राहु और केतु की जो प्रवृत्ति होती है वो शेयर मार्केट जैसी होती है, शेयर मार्केट कभी भी स्थिर नहीं रहता, उसी तरीके से राहु केतु भी कभी स्थिर होकर नहीं रहते। जिस घर में बैठते हैं उस घर के अंदर उतार चढ़ाव कर देते हैं। तो दसम भाव में जो अगर राहु बैठा है तो कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव करेगा, और उसके विपरीत यदि केतु चतुर्थ भाव में बैठा है तो मन के सुख को कम करता है, जमीन जायदाद के सुख को कम करता है। अगला जो योग है वो है विषधर कालसर्प योग। कौन सा योग? विषधर कालसर्प योग। तो केतु जब पंचम भाव में हो और राहु एकादश भाव में हो तब यह योग बनता है। इस योग से जो प्रभावित व्यक्ति होता है उसको अपनी संतान से कष्ट होता है, नेत्र एवं हृदय
संबंधित रोगों का सामना करना पड़ता है। स्मरण शक्ति मेमोरी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। उच्च शिक्षा में रुकावटें एवं सामाजिक मान प्रतिष्ठा में कमी इस योग के लक्षण हैं। केतु जब पंचम भाव में एजुकेशन हाउस में जब बैठता है तो देखा गया है कि ऐसे जो जातक होते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में भी उनको अक्सर उतार चढ़ाव देखा जाता है, और साथ साथ में चूंकि संतान का घर भी है तो संतान के संबंध में चिंताएं बनी रहती हैं, वंश वृद्धि नहीं होती या संतान का पूर्ण रूप से सुख प्राप्त नहीं। अगला जो कालसर्प योग है वो है शेषनाग कालसर्प योग। तो कैसे बनता है शेषनाग कालसर्प योग, आइए वो भी जान लेते हैं। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में जब छठे भाव में केतु आता तथा द्वादश भाव यानी 12वें स्थान पर राहु जाकर बैठता है तब यह योग बनता है। इस योग में व्यक्ति के कई गुप्त शत्रु पैदा होते जो हमेशा जातक के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। अदालती मामलों का अक्सर सामना करना पड़ता है। मानसिक अशांति और बदनामी भी इस योग में सहनी पड़ती क्योंकि द्वादश भाव में जब केतु बैठता है, द्वादश भाव किसका होता है, खर्चे का, अपमान का, अपयश का, कोर्ट कचहरी का। तो राहु जब ऐसे घर में बैठता है तो हम लोगों को सलाह देते हैं कि उन्हें हमेशा कोर्ट कचहरी के मामलों से सावधान रहना चाहिए, उन्हें हमेशा जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि राहु द्वादश भाव में हमेशा नकारात्मक परिणाम देता है और केतु जब छठे भाव में होता है तो गुप्त शत्रु पैदा करवाता है। पीठ पीछे वार करने वाले लोग हमेशा ऐसे जातक के साथ में हमेशा बने रहते हैं। तो दोस्तों ये आपने जाना कि किस कितने तरह के कालसर्प योग हैं और साथ ही कि क्या कुछ प्रभाव ये डालते हैं। हम आगे और बात करेंगे कि क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं इसका निवारण करने के लिए, कालसर्प योग से बचने के लिए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। दोस्तों स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात करी थी कितने तरह के कालसर्प योग होते हैं और अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से, क्या उपाय हम आजमाएं कि हम इससे दूर कर सकें। तो पंडित जी इसके लिए हम दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि क्या कुछ ऐसे उपाय हो सकते हैं, विशेष उपाय जिससे हम इसका निराकरण कर सकें, इसे दूर कर सकें। जी अनीता जी, एक तो आज मैं इस चैनल के माध्यम से कालसर्प दोष के बारे में बता रहा हूँ और साथ साथ में एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कालसर्प योग के जो दोष होते हैं उसकी पूजा के लिए कुछ जगह जो बताई गई है वो सिर्फ वही जगह हैं जहाँ पे ज्योतिर्लिंग हो। तो यदि जो व्यक्ति कालसर्प योग के दोष से पीड़ित है तो जहाँ ज्योतिर्लिंग हो वहाँ पर किसी योग्य आचार्य के द्वारा इस दोष की शांति करवानी चाहिए। अक्सर आज के समय के अंदर जगह जगह पे बहुत सारे आचार्य बैठे हुए हैं लेकिन जो कि इस पूजा को करवाते हैं, इस पूजा के नाम पर बहुत सारे पैसे भी आप लोगों से ले लेते हैं लेकिन इस पूजा का जो विधान बताया गया वो वहीं बताया गया है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग हो। तो आप उसी जगह पे पूजा करवाएं जहाँ ज्योतिर्लिंग है तब इस दोष से आपको मुक्ति मिलती है। तो सबसे पहला उपाय तो ये है कि आप जहाँ ज्योतिर्लिंग हो वहाँ पे किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में कालसर्प दोष से मुक्ति का आपको उपाय करवाना चाहिए। दूसरे कुछ सरल उपाय जो आप अपने घर में कर सकते हैं, आप अपने शहर में कर सकते हैं, अपने गांव में कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें जो सबसे पहला उपाय है उसमें आपको क्या करना है कि आपको चांदी के नाग नागिन के जोड़े बनवाने हैं। किसके? चांदी के। तो नाग नागिन का आपका जोड़ा बनवाएं और सोमवार के दिन, यदि शुक्ल पक्ष का सोमवार हो तो सोमवार के दिन उसे बहते हुए पानी के अंदर प्रवाहित करें और साथ साथ में प्रार्थना करें भगवान शंकर से, भगवान भोलेनाथ से कि जो राहु केतु से संबंधित हमारी कुंडली में जो दोष, जो सर्प का जो हमारी कुंडली में जो दोष है उस दोष से हमको मुक्ति मिले। अगला जो उपाय है वो भी बहुत सरल उपाय है। उसमें आपको क्या करना है, आपको गेहूं और जौ दोनों का आप थोड़ा थोड़ा सा आटा ले लीजिए, उस आटे को गूंद के उस गेहूं और जौ के आटे का नाग नागिन का आप जोड़ा बना लीजिए। जोड़ा बनाकर उस जोड़े की भी विधि विधान पूर्वक
उसकी पूजा करें। पूजा करने के बाद में उसको भी इस प्रार्थना के साथ कि जो हमारी जन्म कुंडली में कालसर्प योग जो बना हुआ है, जो दोष बना हुआ है, उस दोष से हमें मुक्ति मिले और ये दोष हमारी जिंदगी से दूर जाए, इस तरह की प्रार्थना करते उसे बहते हुए पानी के अंदर प्रविष्ट करवाएं। अगला जो बहुत सरल उपाय है कि जिनकी जन्म कुंडली के अंदर कालसर्प योग बना हुआ है, उन्हें हमेशा साल में एक बार काला कंबल किसी गरीब व्यक्ति को दान करना चाहिए। अगला जो बहुत सरल उपाय है वो ये है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी जन्म कुंडली में कालसर्प योग है, दोष है, ऐसे व्यक्तियों को नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए तथा जितना संभव हो सके पंचाक्षरी जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप हमेशा करना चाहिए। अगला जो उपाय है कि राहु ग्रह की शांति के लिए राहु मंत्र ओम राम राहवे नमः, पुनः उच्चारण सुन लीजिए, ओम राम राहवे नमः मंत्र का जाप हमेशा करते रहना चाहिए। जाप के पश्चात राहु के नाम से हवन करके राहु की दान की जो वस्तुएं होती है, जैसे गोमेद हुआ, शीशा हुआ, तिल हुआ, नीले वस्त्र हुए, कंबल हुआ, इन सब का उनको दान करना चाहिए। अगला जो सरल उपाय है, राहु केतु से पीड़ित होने पर स्वास्थ्य लाभ हेतु रात को सोते समय सिराहने के पास में जौ रखकर सोना चाहिए। क्या करें कि आप रात को सोते समय यदि बहुत ज्यादा बीमार है, राहु केतु का प्रकोप बना हुआ है, कालसर्प योग का प्रकोप बना हुआ है, तो रात को सोते समय लगभग 250 ग्राम आप जौ लेके उसको सोते समय अपने सिराने के पास में रख दीजिए और अगले दिन सुबह उठकर उसको पक्षियों को आप खिला देते हैं तो राहु केतु से संबंधित जितने भी दुष्प्रभाव हैं उन दुष्प्रभावों से आपको मुक्ति मिलती है। अगला जो सरल उपाय है, यदि आप इस दोष से प्रभावित हैं तो आपको नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। त्रिअक्षरी मंत्र जो महामृत्युंजय का है, अगर आप संपूर्ण मंत्र नहीं कर सकते हैं तो ओम जूम सह, ये त्रिअक्षरी मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आपके मन से भय दूर होता है और कालसर्प योग दोष की बाधाओं से भी आपको मुक्ति मिलती है। और वास्तु के हिसाब से भी अगर हम इसको जोड़ें तो राहु केतु जो है वो आपके घर की जो दक्षिण दिशा है यहाँ पर उनका निवास है, तो यदि आपके घर की दक्षिण दिशा प्रभावित है, वास्तु सम्मत रूप से नहीं है, तो भी ऐसे लोगों को राहु केतु के दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ता है। तो आपके घर की जो दक्षिण दिशा है वो हमेशा बंद रहनी चाहिए। यदि वहाँ पर कोई दोष है तो उस दोष को ठीक करने के लिए एक पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर आपको आपके घर की जो दक्षिण दिशा वाली जो दीवार है, यदि आप वहाँ पर उस तस्वीर को लगाते हैं और हर अमावस्या को एक सरसों के तेल का दीपक वहाँ पर जलाते हैं तो राहु केतु से संबंधित जो कालसर्प योग से संबंधित जो दोष हैं आपके घर के अंदर जो हैं बीमारियाँ जिनके कारण हैं उन सब से आपको मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों हमने बहुत महत्वपूर्ण लेकिन बहुत ही सरल उपाय हमने जाने हैं इस कालसर्प योग से इसकी शांति के लिए और इससे बचने के लिए। साथ ही पंडित जी ने हमें बताया कि वास्तु से भी किस तरीके से इससे निजात पाई जा सकती है। तो पंडित जी ये तो हमने बात करी कालसर्प योग की और किस तरीके से हम इसका निवारण कर सकते हैं, साथ ही अगर आज की कोई विशेष गुड लक टिप हो हमारे दर्शकों के लिए। जी आज के लिए यदि आप जो हमारे व्यापारी दर्शक हैं और आपको लगातार व्यापार में आपको मंदी का सामना करना पड़ रहा है, आप सुबह से शाम तक दुकान में बैठे रहते हैं लेकिन ग्राहक आपकी दुकान में नहीं घुसते, तो आप घबराइए मत, क्योंकि आज मैं आपको आपके व्यापार की मंदी को दूर करने वाला एक बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूँ, जिसको करने से न केवल आपकी मंदी दूर होगी बल्कि आपका जो बिजनेस है वो रात दिन उन्नति करता हुआ आपको दिखेगा। तो आपको करना क्या है, आपको लगभग एक हाथ लंबा कच्चा सूत का धागा ले लें और उसे केसर से रंग लें और जब आप केसर से रंगे तो ओम महालक्ष्मी नमः करते हुए उसको हथेलियों से केसर से उसको रंगे। इसके बाद उस धागे को अपने व्यापार स्थल के मुख्य द्वार पर उसको बांध दें या फिर अपने गले में तिजोरी में भी आप उसको रख सकते हैं। इस अभिमंत्रित धागे के प्रभाव से न केवल आपका बिजनेस मंदी में भी तरक्की करेगा बल्कि जो दुकान आपका जो व्यापार दिन भर सूनी पड़ी रहती थी वो भी हमेशा ग्राहकों से भरी रहेगी।
तो ये जाना उन लोगों ने लिए जिनके व्यापार में उन्हें मंदी रहती है, जिनका बिजनेस है इतना आगे नहीं बढ़ पा रहा। ये छोटा सा लेकिन बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, इसे ज़रूर आप आजमाइएगा। तो पंडित जी, ये तो था आज हमारी गुड लक टिप, इसके साथ ही आज हमारे दर्शकों के लिए क्या पावर मंत्र है? जी, आज का जो पावर मंत्र मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसमें ये है कि कई बार दुखों का दुष्चक्र ऐसा चलता है कि एक के बाद एक समस्याएं आपकी ज़िंदगी में हावी होने लगती, आपको समझ में ही नहीं आता है कि उनसे कैसे बाहर निकला जाए। तो आज मैं आपको एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही चमत्कारिक मंत्र बताने जा रहा हूँ, आप लिख लीजिए इस मंत्र को, हर किसी के लिए है। ओम सर्व दुख हराए नमः। पुनः सुन लीजिए, ओम सर्व दुख हराए नमः। यदि इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार आप जाप करते हैं तो हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की तकलीफ से, हर प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, आज का हमारा ये जो कार्यक्रम था कालसर्प योग पर आधारित था और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को कालसर्प योग के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए और उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो दोस्तों, यदि आपकी भी कोई समस्या है, आप हमें समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। तो दोस्तों, सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।